मैंने पार्सल ऑर्डर किया था जो कि मुझे रिसीव हुआ है अभी, मीशो से मैंने ऑर्डर किया था, तो ये कुछ ऐसा है। तो चलो इसको हम करते हैं ओपन, तो देखते हैं इसमें क्या निकलता है। तो गाइज़ मैंने इसको फाड़ दिया है और हम इसको निकालते हैं। तो मेरा है ये कुछ नेचुरल एंड हर्ब्स का प्रोडक्ट है जो है आपका वैक्सिंग पाउडर। तो ये भी देखते हैं इसको यूज़ करने पे पता चलेगा कि ये है आखिर कैसा। तो इसमें सारी चीज़ें नॉर्मली हैं और इसमें नो पेन है, बिल्कुल बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। तो इसको यूज़ करने के बाद बताऊँगी कि मैं इसका रिज़ल्ट क्या है, अगर अच्छा होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो आप भी इसको ज़रूर परचेज करना अगर उसको चाहिए, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बाय बाय। हे गाइस, तो मुझे मेरा पार्सल मुझे रिसीव हुआ है मीशो से, तो मैं इसको ओपन करती हूँ और देखती हूँ इसमें क्या है। तो गाइस मैंने इसको ओपन कर लिया है और हम इसको भी निकालेंगे और बताऊंगी कि मैं आपको ये कैसा है। तो ये है हमारा वैक्सीन पाउडर जो कि लेमन वाला है, और देखते हैं कि इसको यूज़ करने के बाद कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। अगर रिज़ल्ट अच्छा होगा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। और ये बिना पेन के है, इसमें ना कोई हार्म होगी और ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट होंगे, अगर होगा भी तो थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा तो कुछ नहीं। वैसे इसने दे नहीं रखा है कि इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। और बाकी आपको किसी को परचेज़ करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मैं इसका रिज़ल्ट देखती हूँ क्या आता है। फाड़ दिया है और जो इसका इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल लेमन जैसी है, और मैंने इसको फाड़ के निकाल लिया है, बिल्कुल मुल्तानी मिट्टी की तरह लग रही है। और हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे, और आप इसको ना ज़्यादा गीला और ना ज़्यादा सूखा, तो आप इस तरह से कर लेना, और ब्रश से आप इसको हैंडों पे अप्लाई कर लेना। तो मैं इसको अप्लाई करके जाती हूँ, और इसकी बिल्कुल स्मेल है, ये बिल्कुल लेमन जैसी स्मेल है। ठीक है गाइस, तो मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो गाइस मैंने कुछ इस तरह से अपने हैंड पे अप्लाई कर लिया है, देख सकते हैं कि आपको मेरे जो हेयर है वो कितने ज़्यादा दिख रहे होंगे। तो देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट इसका क्या आता है। बाकी इसको जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता तब तक हम इसको ऐसे ही रखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादातर तकरीबन सूख ही गया है, तो मैं इसको देखती हूँ हटा के कि इसका फाइनल रिज़ल्ट क्या आता है। वैसे मुझे लग तो नहीं रहा, बट देखते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ पे कितने बाल हैं, तो बस थोड़ा सा रहता है यहाँ पे सूखना, सोच रही हूँ ये थोड़ा सा सूख जाए, यहीं पर बाल ज़्यादा है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या आता है रिज़ल्ट इसका। फाइनली गाइस, तो उसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसमें एक भी बाल नहीं उतरे। आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा बेकार हो गया है, दिख रहे हैं आपको बिल्कुल सारे के सारे बाल। तो ये सारा मतलब बेकार ही है, आप इसको ना ही ऑर्डर करो तो अच्छा है, पैसे वेस्ट। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ पे कितनी ग्रोथ, जैसे थे वैसे ही रह गए। हो गया, और मैं शाम का नाश्ता ले आई हूँ, ये ब्रेड रोस्ट करके कुछ इस तरह से सैंडविच की तरह बना के, और साथ में चाय गरम गरम। तो मेरे बेटे को भी लगी है भूख, तो वो कह रहा है कि मम्मी मैं खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है आओ खाना आओ खिला देती हूँ। खाओगे बेटा आप? आपको कैसा लगता है? हैं और बैठो, ऊपर बैठो, आओ खिलाती हूँ। गाइस मैं बना रही हूँ ये घिया, और मैंने ये इस तरह से छील के गोल गोल काट लिया है, और इसको मैंने मसाला मैंने पीस रखा है। इसमें धनिया, जीरा, काली मिर्च, अदरक, लहसुन सब कुछ है इसमें, और हम इसको बना रहे हैं कुछ इस टाइप से। तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर ट्राई करना। गाइस तो हमारा जो घिया है वो इस टाइप से कुछ बन गया, और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगता है सच में। आप ज़रूर बनाना और खिलाना सबको। तो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना नई नई रेसिपी। बेटा क्या कर रहे हो आप? तो मेरा बेटा नहा लिया है गाइस, और ये आप टॉफियों के साथ खेल रहा है कुछ ऐसे, तो इसे बातें करते हैं थोड़ा सा। डेविन आप नहाए? किसने नहलाया? मम्मी ने। डेविन नहाया, मम्मी नहाई है। पापा कहाँ गए? दादा टूटी, आज अच्छा ठीक है। और नाना कहाँ गए? नाना ड्यूटी गए। मामा? मामा ड्यूटी गए। तो आप खाना खाओगे अब? खाना खाओगे आप?
हाँ तो गाइज अब ये खाया, इसको लगी है भूख तो अभी कह रहा है खाना खाएंगे। हम नहा धो लिए हैं, हमने सारा काम वाम सब फिनिश हो गए और हमने पूजा पूजा वगैरह भी कर ली है। तो गाइज हमने पूजा वगैरह कर लिया है, तो आप देख सकते हैं ये मेरा मंदिर है ये, और अब हम जा रहे हैं पूजा वगैरह करके। अब हम नहाने कह रही हूँ, अब हम खाना वगैरह खाएंगे। तो गाइज मेरा काम सारा ऑलरेडी फिनिश हो गया है और अब हम नहाएंगे धोएंगे, मजाक कर रही हूँ, हम नहा धो के उचके बिल्कुल फ्री, अब हम खाना खाएंगे। बोलो बोलो बाय। तो गाइज हम हो गए हैं बिल्कुल फ्री, तो अब हम करेंगे पेट पूजा, उसके बाद हम थोड़ा सा अपना काम वाम करेंगे और बाकी मेरे बेटे की बातें आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, मिलते हैं एक अच्छे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, और ब्लॉग अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करना। बाय बाय।